सर एक बड़ा सवाल यह है, आप तो अफगानिस्तान को अच्छे से समझते हैं, और उसके बाद मैं जलन साहब के पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब फ्लाई किया तो डेलिबरेटली अफगानिस्तान का रूट नहीं लिया है, पाकिस्तान के थ्रू गए हैं, लंबा समय लगा है लेकिन फिर भी गए हैं। अफगानिस्तान कितना बड़ा विषय होगा और कितना हावी रह सकता है प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में? देखिए, अफगानिस्तान से बड़े और भी विषय हैं जी, लेकिन समय का फर्क है। तात्कालिक दृष्टि से सबसे बड़ा विषय इस समय अफगानिस्तान है, इसलिए मुझे लगता है कि, और एक बात और है कि अपने आप में सबसे बड़ा विषय है और अमेरिका के लिए और भारत के लिए और भी बड़ा विषय है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको परेशान करूंगा, थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए, क्योंकि अमेरिका की छवि अफगानिस्तान के कारण काफ़ी प्रतिहत हुई है सारी दुनिया में, और भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, जो भारत के हालात है, हमारे लिए अफगानिस्तान प्राइम इम्पोर्टेंस बनता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन अमेरिका वहाँ से एग्जिट कर चुका है, वहाँ की आवाम के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो बाइडेन किसको सुनेंगे? जो बाइडेन को भारत की बात सुनना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के पास इस समय कहने के लिए कुछ है नहीं। भारत सुनने की मुद्रा में है, भारत अमेरिका से सलाह मांग रहा है, जबकि सीधे हमारे इंटरेस्ट वहाँ प्रतिहत होने वाले, प्रभावित होने वाले हैं। हमारी सरकार कई पहल कर सकती थी, उसने एक भी पहल नहीं की, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। अफसोस इस बात का भी है कि सरकार अगर स्वयं किन्हीं गुप्त कारणों से, जो कारण ना आपको पता है ना मुझे पता है ना हमारे डिप्लोमेट्स को पता है, ऐसे कई गुप्त कारण होते हैं, नहीं करना चाहती ये बात बहुत ठीक है, लेकिन उसके पास ऐसे लोग होने चाहिए कि जो सरकार में नहीं हैं लेकिन जो तालिबान को सीधे जानते हैं, हामिद करज़ई को सीधे जानते हैं, अब्दुल्ला को सीधे जानते हैं, शेरजई को जानते हैं, सारे पोपलजई लोगों को जानते हैं, सारे बरकजई लोगों को जानते हैं, और उनसे जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं अपनी इंटरनेशनल डेस्क पे आ रहा हूं, और जलन साहब के पास आने से पहले कुछ इनपुट में वॉल के आपको देना चाह रहा हूं, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये सबसे बड़ी खबर हमारे लिए इसलिए बन जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात और अफगानिस्तान पर बात। अब हमारे लिए जो समझने वाली बात है वो क्या है यहां पर, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। हम नहीं भूल सकते हर्ष श्रृंगला साहब वहां पर गए हुए हैं, जो कि आपको याद होगा अमेरिका में ही पोस्टेड थे जब लास्ट इतना बड़ा इवेंट हुआ था हाउडी मोदी, उस वक्त हर्ष श्रृंगला साहब ने क्या कहा था। लेकिन अभी के जो हालात हैं, जरा देखिए आप, मोदी की जो अफगान नीति है, एससीओ समिट में मोदी का भाषण जो था उसकी बड़ी बातें, शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट की चुनौती, एससीओ के बैकड्रॉप से अगर हम इसको लें तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यह समझना। अफगानिस्तान के घटनाक्रम जो है वो चिंताजनक है, आतंकवाद की अगर बात की जाए तो वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है, ये एक हमारे पास जानकारी आ रही है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने चीजों को बताया है उसमें ये भी है कि आतंकवाद के कारण क्षेत्र का विकास नहीं, मोदी बाइडेन अफगान पर चर्चा करेंगे, हर्ष श्रृंगला ने यह कहा है, कट्टरवाद, उग्रवाद, आतंकवाद पर चर्चा करेंगे ये कहा है। विवेक वाजपेयी जो हमारे इंटरनेशनल डेस्क पर बैठे हुए हैं वो कुछ खबर ब्रेक कर रहे हैं। विवेक जी बताइए क्या खबर है? मोदी के अमेरिका दौरे की बात हो और पाकिस्तान की चर्चा ना हो तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बुरा मान जाएगा। मैं पाकिस्तान के सारे प्राइम टाइम की डिबेट अभी देख रहा हूं और केवल प्रधानमंत्री के अमेरिका विजिट पे हो रही है। मुझे एक बात बताइए, अभी आप एक खबर बता रहे थे एयर स्पेस की, वो कौन सी? ताइवान के एयर स्पेस में चाइना के फाइटर प्लेन आज फिर घुसे हैं, मतलब मकसद साफ है, चाइना जो क्वाड की मीटिंग है उससे पहले ये अमेरिका को और बारी पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो डरा नहीं है, वो जो करना चाहता है, वो जो दिखाना चाहता है वो दिखा रहा है। 30 बार ताइवान के एयर स्पेस में चाइना के फाइटर प्लेन घुसे हैं आज। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।